पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं निजीकरण करने को लेकर सरकार ने अपना फैसला सुनाया था, जिसके बाद कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का फैसला वापस ले लिया। कर्मचारियों की एकजुटता के कारण सरकार के द्वारा अपना फैसला वापस लेने की खुशी में उत्तर प्रदेश में जगह जगह धरना प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। देखिए, वर्तमान व्यवस्था में भी जो भी हमारा ढांचा है उसी में हमने जो है 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य जो है बखूबी निभाया है। आपने एक उदाहरण दिया टोरेंट का, अगर टोरेंट का उदाहरण ले लें तो प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का सरकार को घाटा हो रहा है टोरेंट की तरफ से। टोरेंट वर्तमान व्यवस्था में सरकार को मात्र 4.25 रुपए के आसपास यूनिट देती है, जबकि वही सरकार जिसने अभी नियामक आयोग में फाइल किया है कि पर यूनिट कॉस्ट जो उन्हें पड़ रही है वो 7.90 रुपए के आसपास पड़ रही है, लमसम 3 रुपए का मुनाफा टोरेंट स्वयं अपनी जेब में रखती है। तो ऐसे उदाहरण निश्चित तौर पे निजीकरण को प्रेरणा नहीं दे सकते कि टोरेंट अच्छा है, इसलिए टोरेंट अच्छा कहाँ से हुआ। दूसरी चीज जो हमारी वर्तमान व्यवस्था है जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हम लगातार अच्छी सुविधाएं उपभोक्ताओं को देने में संभव कर पा रहे हो, दिन ब दिन ये चीज सुधर रही है। मैं इंजीनियर जयप्रकाश, केंद्रीय पर्यवेक्षक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश एवं केंद्रीय महासचिव राजविद्युत परिषद जोन। आप सब भली बात देख गए कि निजीकरण किसी भी व्यवस्था विशेष रूप से आम जनमानस या उपभोक्ता हित में लदाख नहीं है। इस लड़ाई को लगभग 36 दिनों तक लगातार लड़ने के बाद उत्तर प्रदेश के बिजली का मैनेजमेंट, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई चक्रों में संघर्ष समिति के केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल से बात हुई और अंतिम राउंड में 6 अक्टूबर को हमारी वार्ता उत्तर प्रदेश के जो है मिनी कैबिनेट की एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रालय में हुआ और वहाँ पे लगभग 3 घंटे के मंथन के बाद जो हमारी डिमांड थी पूर्वांचल विद्युत वितरण डिस्कॉम का निजीकरण की कार्रवाई जो की जा रही है उसे समाप्त किया जाए। तत्काल ये आपके सामने कार्यपत्र प्रस्तुत है, इस कार्यपत्र से स्पष्ट है, पहले ही बिंदु में लिखा है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का जो कार्रवाई निजीकरण की चल रही थी उसे वापस लिया जाता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के किसी भी स्थान पर निजीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। भविष्य में किसी भी प्रकार के सार्थक काम करने के लिए उत्तर प्रदेश के बिजली के कर्मचारियों, अभियंताओं, जूनियर इंजीनियरों से विश्वास में लेकर कोई कार्रवाई की जाएगी।